10. See now the last two adjustments, please focus. One is interest on capital and one is interest on drawings. Devo. Interest on capital and interest on drawings. Just look at focus, look at the board. Interest on capital and interest on drawings. इसका मतलब क्या है? जैसे यू हैव डन सीसीसी और लोन, आपने किसी से लोन लिया है तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? पे इंटरेस्ट. आप क्या करते हो? कैलकुलेट, चेक कंपेयर. कैलकुलेट करते हो कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चेक करते हो कितना पे किया है और बाकी पेएबल या प्रीपेड, राइट? सो ऑब्वियसली अगर लोन लिया है तो यू आर सपोज टू पे इंटरेस्ट बिकॉज दैट्स योर एक्सपेंस, राइट? बिकॉज लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, उस पर इंटरेस्ट मिलता है. लोन इज अ लायबिलिटी, उस पर इंटरेस्ट देते हो. इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, उस पर इंटरेस्ट मिलता है. ये आपको पता है. ऑन द सेम लाइन्स यू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब कैपिटल लाता कौन है? बिजनेस ओनर. तो बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, बट इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल. तो कभी कभी, समटाइम्स, नॉट इन ऑल द केसेस, समटाइम्स इन सर्टेन प्रॉब्लम्स, ओनर ऐसा एडजस्टमेंट करके रखता है कि उसने जो कैपिटल डाला ना बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लायबिलिटी है. तो बिजनेस के साथ लोन पे इंटरेस्ट देता है आउटसाइडर्स को. वैसे बिजनेस विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ओनर. बिजनेस विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ओनर. वैसे थॉट आते कि साला क्या फर्क पड़ता है, सारा का सारा प्रॉफिट जो भी कमा है ओनर को ही जाने वाला है, इंटरेस्ट भी उसी में से काट के देने वाले हो, तो क्या ही सेंस बनता है? तो सेंस ये है कि सपोज ओनर ने 1,00,000 रुपया कैपिटल डाला. कितना? 1,00,000. अब 1,00,000 को जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसी को बिलोंग करने वाला है, ऑब्वियसली ओनर का ये सारा प्रॉफिट. बट फिर भी वो इंटरेस्ट और कैपिटल का क्लॉज डाल के रख देता है बिजनेस. समझो 6%, कितना टका? 6%. तो 1,00,000 का 6% फॉर 12 months, ये हमेशा 12 महीने का रहता है. मतलब कैपिटल बिगिनिंग से एंड तक वापरा, उसमें बिजनेस पे इंटरेस्ट 6% के हिसाब से कितना होता है? 6,000. तो इसका मीनिंग है कि 6,000 रुपया कौन किसको देने वाला है? बिजनेस विल गिव इट टू ओनर. और ये इंटरेस्ट वो कभी कैश में नहीं देता. बिजनेस एवर गिव्स दिस इंटरेस्ट इन कैश. एंट्री इज नॉट इंटरेस्ट टू कैश, इट इज ऑलवेज केप्ट आउटस्टैंडिंग. इट इज ऑलवेज केप्ट आउटस्टैंडिंग पेएबल. व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. तो एड टू एक्सपेंस मतलब ये जाएगा पीएल एंड डेबिट, एंड दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जैसे लोन को एड कर देते वैसे कैपिटल में है. कैपिटल को देना बाकी. इफेक्ट देखोगे ना तो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट का इफेक्ट. नेट प्रॉफिट में क्या होता है? पीएल एंड डेबिट एड टू कैपिटल लास्ट में आता है ना. इंटरनल कैपिटल भी वही है, पीएल एंड डेबिट एड. नेट प्रॉफिट का हिस्सा ही है. समझो बिजनेस ने 40,000 का नेट प्रॉफिट कमाया तो 40 में से 6 उड़ जाए, 40 में से 6,000 इज इंटरेस्ट एंड बाकी 34,000 इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का ही हिस्सा खाली अलग से दिखाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ओनर को पता चले कि एटलीस्ट वो 6% तो कमा रहा है बिजनेस में से. जस्ट टू कीप अ चेक कि एटलीस्ट बिजनेस में से 6% तो रिटर्न आ रहा है कि नहीं. समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 6,000 और नेट प्रॉफिट कमा रहा है 5,000, तो दे पाएगा क्या? दे ही नहीं पाएगा. तो 5,000 ही पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ेगा बोलने का. तो 6% में नहीं कमा पा रहा है तो बिजनेस करके कोई सेंस नहीं बनता है. कुछ और करो, इन्वेस्ट कर दो, एफडी में, बॉन्ड्स में डाल दो पैसे. तो जस्ट टू कीप अ चेक कि मिनिमम बिजनेस में एटलीस्ट 6% 7% 8% इतना रिटर्न आ रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए खाली क्लॉज डाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी कुछ नहीं है. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट. जो नेट प्रॉफिट है ना वही इफेक्ट है, पीएल एंड डेबिट कैपिटल में है.
बट उसका थोड़ा सा टुकड़ा अलग, इंटरेस्ट कैपिटल अलग, नेट प्रॉफिट अलग। टोटल प्रॉफिट था ना, उसमें से 6,000 पहले इंटरेस्ट जाएगा और 34,000 नेट प्रॉफिट जाएगा। दोनों का इफेक्ट सेम है, पीएनएल में टाइप टू कैपिटल। पहले 40,000 डाले के करते थे, अभी थोड़ा अलग रहेगा, 6,000 अलग, 34,000। करने के पीछे लॉजिक समझा, नेट प्रॉफिट भी ओनर का, इंटरेस्ट भी ओनर का ही, दोनों उसी को बिलोंग करते हैं। क्यों अलग अलग कर रहा है वो, क्या यूज हुआ उससे, उसको पता चल कि बिजनेस में एटलीस्ट 6-7% तो रिटर्न आ रहे हैं। अब धंधा करने बैठे एटलीस्ट 7-8-10% तो मिलना चाहिए ना, देखो तो मैं एफडी में डालू बैठू पैसा, ऐसे बैठा हूं काम करके क्या सेंस बनता है। एटलीस्ट आपको 8-10%, 12% रिटर्न आए तो सेंस बनता, जस्ट टू कीप अ चेक। ऑपोजिट ऑफ दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ व्हाट आर ड्रॉइंग्स, अंडरस्टैंड, कैपिटल मतलब उन्होंने लाया तो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट। ड्रॉइंग्स का मतलब है ओनर हमेशा लेके गया तो विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू, ओनर विल पे टू बिजनेस। तो जैसे कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स आर लाइक एसेट, इन्वेस्टमेंट। ऐसा सोचो कि बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया लोन के फॉर्म में, ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये कैसा पेबल रखता है, वो क्या रखेगा, रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हम उसने साल क्या है ना 30,000 विड्रॉ किया, कितना 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देगा उसमें 8%। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12 महीने का कैलकुलेट नहीं होता हमेशा, कितने महीने होता है, 6 महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज फॉर 12 months, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज फॉर 6 months। तो पीछे का रीजन बताता हूं, तो ये 1200 रुपये, ये 1200 रुपया क्या है पता है, बिजनेस को देना बाकी है कि बिजनेस को लेना बाकी, लेना बाकी। तो दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल, दिस इज इंटरेस्ट पेएबल, दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, पीएनएल क्रेडिट, दैट्स योर इनकम। एंड एसेट में आप क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते थे, तो इधर ड्रॉइंग्स में ऐड करना है। बट ड्रॉइंग्स में ऐड करने के बदले आप क्या कर सकते, कैपिटल से माइनस कर सकते, बात तो वही बन। जितना भी ड्रॉइंग्स होता है, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ड्रॉइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, वो ट्रैवल एक्सपेंस पड़ा हुआ है, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ड्रॉइंग्स व्हाट डू यू डू, सबट्रैक्ट फ्रॉम एवरेज, बात वही है। ड्रॉइंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हो एसेट साइड, हम ड्रॉइंग्स एसेट में ना दिया गया कैपिटल से माइनस करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल से माइनस कर दो, बात तो वही हुआ। इन्वेस्टमेंट में ऐड, ड्रॉइंग्स में ऐड करने के बदले कैपिटल से माइनस। अब ये इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है, ये भी है ना, क्या है, ये कैसे नेट प्रॉफिट में से काटा, ये भी नेट प्रॉफिट का ही पार्ट है आपका, आपका खुद ही। अब देखो क्या कर रहे हो, पीएनएल क्रेडिट मतलब इनकम बता रहे हो और कैपिटल से माइनस कर रहे हो, तो वो नेट प्रॉफिट का ही पार्ट है ये भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये क्यों किया, ये करने के पीछे कारण क्या था, कि पता चल जाए कि मिनिमम 5-7% तो छूट रहा है कि नहीं बिजनेस में से, इतना रिटर्न तो आ रहा है कि नहीं, चेक करने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओनर जो लेके जाता है उस पर क्यों इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता है, हाँ, तो जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ड्रॉइंग्स, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ड्रॉइंग। जितना ज्यादा ड्रॉइंग्स करेगा ना उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इंटरेस्ट काट लेगा कैपिटल, तो उसका खाली चेक रहेगा कि भाई मैं ज्यादा ड्रॉइंग्स नहीं करूं, बाकी पैसा कुछ बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है, उसका टोटल नेट प्रॉफिट विल रिमेन द दिस सिनेरियो आल्सो, दिस सिनेरियो इसे इधर 40 कमा रहा है तो 6 इंटरेस्ट में जाएगा, 34 नेट प्रॉफिट में जाएगा। इधर अगर 40 कमा रहा है तो उसी में से ये 1200 कट गया कैपिटल में से, तो 38,800 का नेट प्रॉफिट है, समझ रहे, उसी का पार्ट है, 38,800 का नेट प्रॉफिट है, 1200 का इंटरेस्ट है, तो नेट प्रॉफिट का ही पार्ट इंटरेस्ट हो गया और कुछ अलग नहीं। तो बाय द हेल आर दीज टू एडजस्टमेंट्स नीडेड, दिस वन इज मेनली नीडेड टू चेक कि बिजनेस में 6-7% रिटर्न आ रहा है कि नहीं। Why do we need interest on drawings? Just to keep a track कि ज़्यादा drawings ना हो जाए। ये sole proprietor में ज़्यादा useful नहीं है, partnership जब आप करोगे ना next year,
उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, दो तीन चार, सबका कैपिटल अलग होता है, सबका ड्रॉइंग भी अलग होता है। तो बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके चेक कर लेता है कि भैया एक एक पार्टनर को इंडिविजुअली इतना रिटर्न तो मिल रहा है कि, और ड्रॉइंग्स भी चेक हो जाते हैं, कोई पार्टनर ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, कोई कम विड्रॉ कर रहा है, तो जो कम विड्रॉ कर रहा है वो कम इंटरेस्ट देगा बिजनेस को, जो ज्यादा विड्रॉ कर रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट देगा बिजनेस को। तो ट्रैक रहेगा कि भाई तू ज्यादा पैसे मत लेके जा, तू ज्यादा पैसे मत लेके जा, तो थोड़े कम लेके जा रहे तो सब लोग कम कर देते हैं ड्रॉइंग्स को, जस्ट चेक कर ड्रॉइंग ज्यादा ना हो जाए। इसमें एक्चुअली सारे ड्रॉइंग्स रहते हैं, गोड्स कैश सब कुछ, लेकिन इफ द सम इज साइलेंट देन वी अज्यूम दैट वो जो एडजस्टमेंट वाले ड्रॉइंग है वो लास्ट डेट पे हो, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। जो कैश ड्रॉइंग है उसी पे आए, नॉर्मल ड्रॉइंग जो ट्रायल बैलेंस वाले उसी पे लेना, अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाई, प्रैक्टिकली दोनों पे आता है, बट यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट वाला जो गुड्स विड्रॉ वगैरह वो लास्ट डेट पे, उस पर नहीं लेगा, जो ट्रायल बैलेंस वाला उसी पे लेगा। अभी Why did I take this for 12 months and why this for 6 months? तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन के जैसा है, लोन 12 महीना वापरा, 12 महीने का कैपिटल भी 12 महीना वापरा, 12 महीने का ये 12 महीने। ड्रॉइंग्स सोचो, क्या ओनर एक साल पूरा विड्रॉ करके लेके जाते पैसा, थोड़ा थोड़ा लेके जाता, थोड़ा थोड़ा लेके जाता। तो इसने अगर ये 30,000 विड्रॉ किया है पूरे साल भर, क्या एक साल पूरा 31st डेट पर निकाल के लेके जाएगा, थोड़ा थोड़ा घर खर्ची के लिए आप थोड़ा थोड़ा हर महीने निकालोगे। तो असम्पशन क्या है कि उसने 30,000 थोड़ा 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 निकाला, मतलब पहला महीने में शायद 2,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 3,000, ऐसा ऐसा करके कितना हो गया उसका 12 महीने का 30,000। तो ऐसा नहीं कि 30,000 पे फुल ईयर का इंटरेस्ट है, वो पहला 2,000 पे 12 महीने का लगेगा, फिर 3,000 पे 11 महीने का लगेगा, फिर वापस 2,000 पे 10 महीने का लगेगा, फिर 3,000 पे 9 महीने का लगेगा, फिर 8 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 5, 4, 3, 2, 1, जितने टाइम का पैसा निकाला उतने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए ना। आई अंडरस्टैंड, 2,000 उसने बिगिनिंग में निकाला तो 2,000 पे 12 महीने, 3,000 उसने सेकेंड मंथ में निकाला तो उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 2,000 उसने थर्ड मंथ में निकाला तो उसमें 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 2,000 उसने फोर्थ मंथ में निकाला उसमें 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जितने टाइम के लिए पैसा वापरो उतने टाइम का इंटरेस्ट। तो हम लोग ऐसे अलग अलग नहीं करते, कौन मगजमारी करे 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, हम लोग सीधा एवरेज कर देते, आधा कर देते, बेसिकली भी हाफ इट, क्योंकि टोटल का ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, वो टोटल का क्या हो जाता है हाफ। अब घर में चाहिए तो आराम से बैठ के चेक कर लेना, आंसर यही है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स आंसर याद है। क्या करने का, घर पे जाके 30,000 है ना, उसने एक साथ नहीं निकाला, इवनली निकाला हर महीने, कैसे निकाला है, इवनली निकाला। तो 30,000 डिवाइड बाय 12 करेगा तो आई थिंक 2,500 आता है, तो 2,500 एवरी मंथ। तो घर पे ऐसा बैठ के देखने का, पहला 2,500 पे 12 महीने का, दूसरा 2,500 पे 11 महीने का, तीसरा 2,500 पे 10 महीने, चौथा 2,500 पे 9 महीने का, पांचवा 2,500 पे 8 महीने का, छठवा 2,500 पे 7 महीने का, ऐसा अलग 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 करेगा ना, सब इंटरेस्ट पे ऐड करो तो यही आएगा 1,200 रुपए आसपास, 1,150 और 1,250 आसपास की उसका अमाउंट आएगा। तो हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं सीधा 6/2। सौ बात के बाद रीजन क्या है, इस पे क्यों 12 महीने, इस पे क्यों 6 महीना, क्योंकि कैपिटल टुकड़े में डाल देगा एक साथ डाल देगा एक साथ, इसलिए 12 महीना, 12 महीना वापर 12 महीने का फ्लैट रेट। बट ड्रॉइंग्स क्या एक साथ निकालेगा, थोड़ा थोड़ा निकालेगा, तो 6 महीना इवन रेट का, इज इट क्लियर, हाफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट विल बी हाफ। टेल मी व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु इज पेइंग टू हूम, बिजनेस टू बिजनेस, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन बिजनेस में पेड टू बिजनेस में, इफेक्ट क्या होगा, ये पेड होगा कि पेबल हो, पेबल हमेशा पेबल, क्योंकि उसको पैसा चाहिए तो ड्रॉइंग के फॉर्म में निकाल सकता है, लाना है तो कैपिटल के फॉर्म में ला सकता है, तो बड़ी बड़ी पैसा लेने देने की जरूरत नहीं, पेबल लिखा देगा, क्या लिखा देगा, पेबल। तो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वैसे लोन का, पेयर एंड डेबिट एंड एक्टिव लोन, इसका क्या होगा, पेयर एंड डेबिट एंड एक्टिव लोन, ये कैपिटल।
अच्छा व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पेएबल और रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्या होता है नॉर्मल? पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू इन्वेस्टमेंट। इधर भी वही है, पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू ड्रॉइंग्स होना चाहिए। ऐड टू ड्रॉइंग्स की जगह लेस ड्रॉ, समझ में आया? ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पेएबल, ये रिसीवेबल। क्यों किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द हैड टू बी शो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? Just to check whether you are able to earn that much sufficient returns from business or not. Is this clear? And why do you calculate interest on drawings? Keep a track of drawings. Zyada withdraw karoge to zyada interest dena padega. Kam withdraw karoge kam, koi parameter dikh jayega. Iske liye aap interest on drawings rakhte ho kabhi kabhi. And the third question, how many months interest on capital will be calculated? 12 How many months interest on drawings? बस तीन चीजें ध्यान रखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज लाइक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों रिकॉर्ड होता है? जस्ट टू कीप अ चेक ऑन रिटर्न्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों किया जाता है? जस्ट टू कीप अ चेक ऑन ड्रॉइंग्स। एंड नंबर थ्री, द मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ऑलवेज टेकन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज फॉर व्हाई? कैपिटल इज अज्यूम टू बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, एक साथ पूरा, बट ड्रॉइंग्स पूरा निकल जाएगा एक साथ। पूरा निकाल लिया अगर किसी बिजनेस में एक साथ, पहला ही पूरा ड्रॉइंग्स है तो फिर 12 महीना मांग। बट ऐसा होता कुछ नहीं दिया तो फिर ड्रॉइंग्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, 6 महीने एवरेज आधा कर दे। समझाओ इसके साथ आपके सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। Take out sub number 12. 12th problem. Sub number 12. Mark. Page 122, sub number 12. Dekho. Capital is liability, drawings are minus from capital stock on 1409 is its stock. Okay. Opening stock, so trading debit, purchase and sales, TDTC, bills receivable, bills payable, assets and liabilities, returns. Debit wala kaun sa hai, credit wala kaun sa hai? Debit is sales returns, credit is purchase returns. Hope that is clear. For plant and machinery, asset, goodwill, asset, loose tools, asset, come on, cash in hand, assets, cash at bank, asset, assets, furniture, assets, sundry debtors and creditors, assets and liabilities, commission, which one it is, paid or received? How do you know that? It's on the credit side, so where it should go? P&L credit side, is that clear? Hello, Mila? Then, salaries, P&L debit, wages, trading debit, office expenses, P&L debit, insurance, P&L debit, advertisement, P&L debit, 3 year WBR. Yeah, the WBR. मतलब क्या होगा? Benefit from what? उस date से यह started. Date से यह started. Make a note. General expense. Goods and वाले सारे items P&L. Factory rent. Yeah, that is true. Closing stock 1,20,000. Simple. TCR assets, depreciation simple, less from assets, P&L debit. Outstanding salaries and outstanding office expenses, what do you do? Add to expense and liability. Insurance was prepaid, minus from insurance and assets. Yaad rakhiye. Commission 3,000 is received in advance. Pre-received kya karte? Minus. Commission mein se minus and what? Liability. Add kya hota hai? ऑनलाइन कॉलेज था, पौने 11 का लेक्चर, तीसरा बैच में नहीं आया तो अच्छा हो, पैक था वो। आया था कोई थर्ड बैच? एग्जाम वापस गया बिफोर Now,
परचेज इंक्लूड है 5,000 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 31st March 2009. परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर. हाँ, परचेज तो किसका परचेज होना चाहिए? गलती से फर्नीचर डाल दिया तो माइनस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर लिख दो. माइनस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर. डेफरी है क्या फर्नीचर? उस पर वैसे भी अगर होता तो नहीं आता. लास्ट डेट पीछे भी है. प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कैन यू सी दैट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सुनो अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पीरियड लिमिट एड टू कैपिटल. व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? पीरियड क्रेडिट एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल. एड टू ड्रॉइंग्स की जगह माइनस फ्रॉम कैपिटल. इज दैट क्लियर? हेलो. Now, there is one hidden adjustment for advertisement. All of you make this note. Likho, advertisement for 3 years. WEF ka matlab kya? With effect from 1-12-2008. With effect from 1-12-2008. What do you mean by with effect from? इस डेट से स्टार्ट हुआ तो अगर 1st December में आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा स्टार्ट किया तो आइडियली आपको कितने महीने का खर्चा पे करना था? 4 December, जैन, फरवरी, मार्च. फाइनल अकाउंट 15, वहां पे मैचिंग कल्चर फॉलो हो रहा था. लेकिन आपके पास तो बहुत पैसा है. 4 महीने की जगह आपने कितने साल का पे कर दिया? 3 साल का पे कर दिया. 3 साल का वैल्यू है 9,000. क्या पूरा का पूरा एक्सपेंस में दिखा दोगे? नहीं, बेनिफिट आना बाकी है. तो इसमें से प्रीपेड होम लोन कितना है? 3 साल का अगर 9,000 है तो 1 साल का कितना होगा? बट अपने को 1 साल का नहीं चाहिए, अपने को 4 महीने का. 4 महीने का कितना होगा? 1/3 होगा, मतलब 1,000 होगा. तो इस 1,000 प्रीपेड और 8,000 पे. 8,000 इज प्रीपेड. डिड यू गेट इट? आउट ऑफ 3 इयर्स ओनली 4 मंथ्स बिलोंग टू करंट ईयर, द रेस्ट पार्ट इज प्रीपेड. 2 years and 8 months part becomes prepaid. What are the difference of prepaid at? Minus from advertisement and minus from advertisement and assets. Is it clear? Less from advertisement and assets. Less from advertisement and assets. Got it? Hello. Minus from advertisement and assets.